हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर टुडे वी साल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर सेवेन्टीन दैट इज अबाउट प्रेशर ग्रुप तो प्रेशर ग्रुप समस्त शुनी थोड़ी जो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने अप्सनाल रखिथ्वर डायरेक्ट क्वेश्चन आसे प्रेसर ग्रुप्रु तो प्रेशर ग्रुप तुम भी अच्छी तो एमें पलिट परसपेक्टिव्रु आम देखा प्रेशर ग्रुप जोटा कि गवर्नान्स जो आम सिल अच्छी पॉलिटी एंड गवर्नान्स से जो गवर्नान्स पार्ट्रे आम देखिपर प्रेसर ग्रुप तो प्रेसर ग्रुप आम कौ चप्टर में अच्छे अब ना सेवेन्टी सिक्स चैप्टर जस्ट आम कम्प्लीट कर आज आम सेवेन्टी सेवेन चप्टर पढ़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेसन तापर जी टाइम हे फरेन पॉलिसी भी पढ़ा तो फरेन पॉलिसी टिके बड़ चैप्टर तो आम स्टार्ट सेवेन्टी सेवेन चाप्टरु प्रेसर ग्रुप तो प्रेसर ग्रुप कौन पढ़िया प्रेसर ग्रुप मीनिंग एंड टेक्निक तार प्रेसर ग्रुप मान में कौन आव टेक्निक अफ प्रेसर ग्रुप देखा

तो तीन टाइम टर्म ये देख ग्रुप ऑफ पीपल अफ तापर कॉमन इंटरेस्ट तापर एक्टिवली प्रमोटिंग और डिफेंडिंग तो नटा टर्म को तुम मन रखी तुम प्रेशर ग्रुप कु इजिली तुम्हें कही पार प्रेसर ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु प्रेशर ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट अचीव करिया रोचि करने जिनसमोट करती तो इट इज सो कल्ड आज इट्स आटेम टू ब्रिंग ए चेंज इन द पब्लिक पॉलिसी बाय एक्जिटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट तो जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हूँ प्रेसर ग्रुप मानों द्वारा तो गवर्नमेंट गर्णमेंट उप्रेसर पड़ू तेणु गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रेसर पड़े कौन हो गणमेंट रो पलिस रोज पॉलीसी चेंज करुच्छी तो से जिन टाक प्रेसर ग्रुप इट कहट आकजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स मेम्बर দ প্ৰেচৰ গ্ৰুপ আলছ কল্ড ইণ্টৰেষ্ট গ্ৰুপ অৰ্ ৱেষ্টেড গ্ৰুপ কোনোপি ন পৰ্টিকুলাৰ ইণ্টাৰেষ্টি কাম কৰি প্ৰেছৰ গ্ৰুপ মানে তে দেফাৰেণ্ট ফ্ৰম পলিটিকা পাৰ্টি ইন দে নাই দৰ কণ্টেষ্ট ইলেকচন ন ট্ৰাই টু কপৰ পলিটিকা পাৱাৰ প্ৰেছৰ গ্ৰুপ মানে নৰ্মলি ইলেকশন কু কণ্টেষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰ পলিটিকা পাৱাৰ কু কাপৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ দে আৰ কনচৰ্ণ্ড ৱিথ স্পেচিফিক প্ৰগ্ৰাম এণ্ড ইচুজ এণ্ড দক্টিভিট আ কনফাইন টু দ প্ৰটেকচন

मेन्टेनिंग कंटाक्ट विथ लेजिस्लेचर एंड सो सोफर तो जेकोसी मैं वे रे आईदर से प्रपागंडा करेंगे कि लभी करेंगे किरेस्पंडेन्स करेंगे कि पब्लिक डिबेट करेंगे जो, जो मेथड को भी से यूटिलइ करेंगे ना लिगल आउ लेजिटिमेट मेथड थ्रोर चेज आ पलिस पलिस मेकिंग कि पलिस इम्प्लीमेटेसन लेवल चेंज आ

ইফেক্টিভলি কাম কৰি পাৰি নাই বা ইফেক্টলি তাৰ অবজেক্টিভ কেলফ ইণ্টাৰেষ্ট বা ইণ্টৰেষ্ট কমন ইণ্টাৰেষ্ট আচিভ কৰাৰ ফেলুৱাৰ হ'ব অডে গাৰ্ড জে আমাৰ পলিটিকা থিংক ক'ত কৈছিলে ন প্ৰেছৰ গ্ৰুপ ৰিজৰ্ট টু থ্ৰী ডিফৰেণ্ট টেকনিক ইন ছিক দৰ্পজ প্ৰেছৰ গ্ৰুপ তাৰ যি পৰপজ কু কৰ্ কৰিব বা পৰ্পজ কু পাইপৰা কণ কৰড কোনো ফল' কৰাৰ্ট মেথড ক'ম দে ক্যান ট্ৰাই টু প্লেছ ইন পব্লিক অফিচ পৰ্চন হু আৰেভৰেবলি ডিছপজু দা ইণ্টৰেষ্ট দে চিক্ টু প্ৰম'ট দিছ টেকনিক মে বি লেবল এজ ইলেকশনেৰিং ত' পব্লিক অফিচ মানুহৰ যদি যি লোক যি অফিচৰ মানে থাকে তৰ মানে তুমি মটিভেট কৰি তাৰ চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট বা তাৰ কমন ইণ্টৰেষ্ট কুইপাই ট্ৰাই কৰোঁ তাক সেই টেকনিক ক' কোৱা ইলেকশ্সনেৰিং देन सेकेंड मेथड हूँ दे कैन ट्राए टू परस्यूट द पब्लिक अफिसर्स व्वेदर दे आर इनिशली फेवरली डिस्पोज टू आर्ड देम और नट टू आडप्ट एंड एनफोर्स द पलिस दैट दे थिंक विल वोव मोस्ट बेनिफिश टू देयर इंटरेस्ट दैट दिस टेक्निक मे बी वि लेबुलाज लिंग तेणु से जो लबि करती आम जान शुनवा लभि करती जो मान चिन्ह थाए लबि करती एमती मैं गोटे गोटे भल अफि मान को ये दि जाऊ बोलिकरा करती तो से जिन टाको कौन कौचे लभिंग कहे

तो डेमोक्रेसी माने कौन लोक मैंने जहाँ चाहिए ओपिनियन को लेकिन गवर्नमेंट चलो तेणु कौन कौन प्रोपागंड तेनाली बुझीपार इलेक्शनरी कौन आउ लिंग कौन आउ प्रपागंड कौन देन तो देर ग्रुप्स इन इंडिया तो वेरियस प्रेसर ग्रुप्स आर देयर इन इंडिया तो लिखाई कौन देख ए लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप एक्जिट इन इंडिया बट दे आर नॉट डेवलप्ड टू सेम एक्सटेंट आज इन यूएस और वेस्टर्न कंट्री लाइक ब्रिटेन

साउथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ मड्रास् इट ब्रडली रिप्रेजेंट मेजर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इंटरेस्ट देन जो आशोचाम अच्छी देखो मेजर कन्स्टिट्यर बेंगल चर अफ कमर्स अफ कलकता सेंट्रल चैम्बर कमर्सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली देन आसोचाम रिप्रेजेंट फरेन ब्रिटिश कैपिटा सेमती आमर ट्रेड यूनियन अच्छी द ट्रेड यूनि बयज द डिमांड अफ द इंडस्ट्रीएल व्वर्कर दे आर एल्सो नोन आइज लेबर ग्रुप ए पेक्यूलियार फीचर ऑफ़ द ट्रेड ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज दैट दे आर एसोसिएटेड आई डायरेक्टली और इनडाइरेक्टली व्यथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दे इंक्लूड ऑल इंडिया ट्रेड यूनिअन कॉग्रेस एआईटी यूसी आफिलेटेड टू सीपीआई देशनाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस आई एंड टीयूसी आफिलेटेड टू कंग्रेस तो ये सब ग्रुप मानते ट्रेड यूनियन नाम तुम जान पार एआईटी यूसी

ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज़ फाउंडेड इन नाइंटीन ट्वेंटी विथ लाला लाजपत राय आज इट्स प्रेसिडेंट प्रेसीडेट तेणु फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थे लाला लाजपत राय अब टू नाइंटीन फोर्टिफाइव कंग्रेस मैन सोशियास्ट एंड कम्युनिस्ट वर्क इन द एआईटूसी अल् इंडिया ट्रेड यूनियन कंग्रेस हो सेंट्रा ट्रेड यूनियन अर्गानाइजेसन अफ वर्कर्स अफ इंडिया सब्सिक्वेंटली द ट्रेड यूनियन मुवमे गट्स स्प्लीट इन टू अन् पॉलीटिकाल लाइन तो पॉलिटिकल लाइन में डिभाइड हो गला देन देखो आग्रियान ग्रुप आग्रारियान ग्रुप माने एग्रीकल्चरल माने डेवलपमेंट को नेकी जो ग्रुप होता हमें आग्रारियान ग्रुप कहबा तेणु आग्रारियान ग्रुप रिप्रेजेंट द फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर क्लास दे इंक्लूड भारतीय किसान यूनियन व्हीट वेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया देन ऑल इंडिया किसान सभा द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट आग्रारियान ग्रुप तेणु ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट आग्रारियान ग्रुप कौन ऑल इंडिया किसान सभा

ऑल इंडिया किसान सम्मेलन देन यूनाइटेड किसान सभा कंट्रोल बाय सीपीएम देन देखो प्रोफेशनल एसोसिएशन दीज आर एसोसिएशन दैट रेज कंसर्न एंड डिमांड ऑफ डॉक्टर लॉयर जर्नलिस्ट टीचर डेस्पाइट वेरियस रेस्ट्रिक्शन दीज एसोसिएशन प्रेसराइज द गवर्नमेंट बाय वेरियस मेथड इंक्लूडिंग एजुटेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर सर्विस कंडीशन दे इंक्लूड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट देन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर कॉलेज टीचर तो प्रोफेशनल आसोसीएसन भी देखले तो ये आम देखा स्टूडे अर्गानाइजेस एमती नुहजे खाली बिजनेस बजने जो एग्रिकलचरालीस्ट कि ट्रेड यूनियन सेमती ना स्टूडेंट अर्गानाइजेसन भी प्रेसर ग्रुप इनक्त वेरियस यूनियन हाव बीन फॉर्म To represent the student community. However, these union like the trade union, are also affiliated to various political parties. These are Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, affiliated to BJP, then All India Student Federation, AISF, affiliated to CPI, then National Student Union of India, NSUI, affiliated to Congress, then Student Federation of India, SFI, affiliated to CPM.

অল ইণ্ডিয়া কনফাৰেন্স অফ ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান্স পাৰ্চি চেণ্ট্ৰা আছোচিয়েচন দেন শিৰোমণি অকা দল তোমাৰ সব কণ হ'লে ৰিজিয় অৰ্গানাইজেচন দেন দেখ দ শিৰোমণি অকা দল শুড বি ৰিগাৰডেড এজ ম'ৰ অফ এ ৰিজ প্ৰেছৰ গ্ৰুপ ৰাধৰ দ পলিটিকা পাৰ্টি ইন ভিউ অফ দ ফেট দাছ বিন কনচৰ্ড ম'ৰ উইথ দ মিছন অফ চেভিং দা চিখ কম্যুনিটি ফ্ৰম বেংক আবজৰ্ভ ইন টু দ অন

মিশিব কতবে সেই তাঁকর যে তা ইন্ট্রেস নিয়ে শিরোমণি অকালী দল সে প্রেসর গ্রুপ ক্রিয়েট হয়েছে নেক্সট কাস্ট গ্রুপ ভেজস কাস্ট গ্রুপ বি লাইক রিজন কাস্ট হ্যাজ আন ইম্পর্ট্যাট ফ্যাক্টর ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স আমি পড়েলে প্রিভিয় চ্যাপ্টরের যে পলিটিক্স বা পলিটিক্সর তার ইয়ে গুড়া কম্পোনে व इलेक्शन कंपोनेंट गुडा गुड़ाग पढ़ी तो से कास्ट आउ का रिलीजन पढ़ी द कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इन मेनी स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज इन फैक्ट द ऑफ कास्ट राइवलरीज ब्राह्मीण वर्सेस नॉन ब्राह्मीण इन तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र राजपूत वर्सेस जाट इन राजस्थान कमा वर्सेस रेडी इन आंध्र अहिर वर्सेस जाट इन हरियाणा बनिया ब्राह्मीण वर्सेस पतिदार इन गुजरात कायस्थ वर्सेस राजपूत इन बिहार नायर भर्सेस इज इन केरला एंड लिंगायत भर्से अकालिग इन कर्णाटक ऑफ़ द कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आर नदार कास्ट एसोसिएशन इन तमिलनाडु मार्वरी एसोसिएशन हरिजन सेवक संघ क्षत्रिय महासभा इन गुजराट बनीउकूल क्षत्रिय देन दे सभा देन कम टू ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ये खाली कास्ट आम देखले तो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्टिव इन एमपी छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसम मणिपुर नागालैंड एंड सो ऑन द डिमांड रेंज फ्रॉम रिफॉर्म सो दैट सक्सेशन फ्रॉम इंडिया एंड सम ऑफ देम आर इनवल्व इन द इनसर्जेसी एक्टिविटीज द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स इन त्रिपुरा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इन मणिपुर ऑल इंडिया झारखंड ट्राइबल संग ऑफ आसाम यूनैटेड म्यूजम फेडरल अर्गानाइजेशन एटसेट्रा दे लिंगुइस्टिक लांगुवेज को बेसिक बेस कर प्रेसर ग्रुप अच्छे लांगुएज हाज विन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द इंडियान पॉलिटिक्स दैट इज बिकेम द मेन बेसिस फॉर द रि ऑर्गानाइजेशन अफ द स्टेट द लांगुवेज एलॉंग उ कास्ट रिलीजियन एंड द ट्राइव हाव बीन रेस्पॉन्सीबल फर द एमरजेंस अफ पलिटिकल पार्टज आज ओल एज प्रेसर ग्रुप सम अफ द लिंगुविस्टिक ग्रुप आर तमिल अंजुमन ताराकिी उर्दू आंध्र महासभा हिंदी साहित्य सम्मेलन नगरी प्रचारणी सभा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा तो एमती है कि देखने लिंगुई्टिक ग्रुप देखले तो ये आम देखा टेन नंबर आइडियोलोजी बेस्ड ग्रुप इन मोर रिसे टाइम द प्रेसर ग्रुप आर फर्म टू द पर्स्यू ए पर्टिकुलर आइडलोजी ए कज ए प्रिंसिपल और ए प्रोग्राम दिज ग्रुप इनक्लूड्ड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन चिपको कौन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप देन डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, देन सिविल लिबर्टी एसोसिएशन गांधी पीस फाउंडेशन एंड ओमेन रईट ऑर्गेनाइजेशन। तापर देखो आनोमिक ग्रुप आलमंड एंड पावेल अब्जर्व दैट बाय आनोमिक प्रेशर ग्रुप वी मीन मोर और लेपन्टानिय ब्रेक थ्रो इन टू द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रम द सोसाइटी सच आज रिअट डेमोनस्ट्रेशन आसोसिएशन एंड द लाइक the indian government and bureaucratic elite overwhelmed by the problem of economic development and scarcity of resources available to them inevitably acquire a technocratic and anti-political frame of mind particularistic demand of whatever kind are they need legitimacy as a consequence interest groups are alienated from the political system some of the anomic pressure groups are all india sikh student federation নৱনিৰ্মাণ সমিতি অফ গুজৰাট নক্সাইট গ্ৰুপ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লিবৰেচন ফ্ৰণ্ট অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ইউনাইটেড লিবৰেচন ফ্ৰণ্ট অফ আছাম এণ্ড দাল খলছা তুমি আমাৰ আন'মিক গ্ৰুপ তো আমি ট'টাল এঘাৰটা গ্ৰুপ বিষয়ে জানিলে ৱান ইলেভেন টাইপছ অফ প্ৰেচৰ গ্ৰুপ তো এই আমি কোৱশ্চন কোন আচাৰ কোৱশ্চেন দেখ হোৱাট ডু ইউ মিন্ বাই প্ৰেছৰ গ্ৰুপ প্ৰেছৰ গ্ৰুপ মানে ক'ম বুজিছ প্ৰেছৰ গ্ৰুপ মানে আমি ক'ত বুজিছিলে তাক লেখিব দেন ডিছকচ আবাউট দ ভেৰিয় প্ৰেছৰ গ্ৰুপ্ছ অফ ইণ্ডিয়া এঘাৰটা যি পঢ়িলে আমি এঘাৰটা যাক নামি মেনচন কৰো তাৰ পিছত জষ্ট লেখিব এবাৰ আমি আচাৰ নেক্সট কোচ্চন কু হু ইজ দ ফাৰষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ ত কমেণ্ট চেকনৰে মেনচন কৰ হু ইজ দ ফাৰ্ট প্ৰেছেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ তো কো আনসার কো লজপত রায় না নাই তো এবার জস্ট এই চ্যাপ্টরটা কমপ্লিট হলো তাপরে এবার আমি পড়ি নেক্সট চ্যাপ্টর বহু ইম্পর্ট্যাট চ্যাপ্টর তা যা আগর জস্টশ্চেন ডিসকস করছি তাকে দেখ তো কোয়েশ্চেন ডিসকস নামে নেক্সট চ্যাপ্টর পড়ি আমি কেউটি আছে এবে প্রেসর গ্রুপ রে

नेशनल इंटीग्रेशन अब्टाकेल नैसनाल इंटिग्रेसन अब्टाकेटा भी आम देखा एसे भी लिखिपर नेशनल ह्वाट इज नेशनल इंटीग्रेशन तो सही रिलेटेड एसे आम लिखिपर तर नैशनाल इंटिग्रेसन गोटे काउनसिल अच्छी नेशनल इंटीग्रेशन काउनसिल दे नेशनल फंक्सन फाउंडेसन फर कम्युनाल हारमोनी तो गोटे फाउंडेसन भी अच्छी कम्युनाल हारमोनी बजाय रखा कंटिन्यू रखापी तो ये आम चाप्टर केवेन्टीट डिसकस करुचे तो चैप्टर सेवेन्टी एट नैसनाल इंटीग्रेसन

नेशनल इंटीग्रेशन इंप्लाइज़ द अवॉइडेंस ऑफ़ डिविज़िव मोमेंट दैट वुड द नेशन एंड प्रेजेंस ऑफ़ एटीट्यूड थ्रू आउट द सोसाइटी दैट गिव प्रिफरेन्स टू नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट आज डिस्टिंग फ्रॉम द फरोल इंटरेस्ट तो या किए क मायरन वेनर देन नेशनल इंटीग्रेशन इज ए सोसीयो सकोलोजिकाल एंड एजुकेशनल प्रोसेस रुई ए फिलिंग अफ यूनिटी सलीडारीटी एंड कोहेशन डेवलप इन द हार्ट ऑफ़ द पीपल एंड ए सेंस अफ कमन सिटीजेनसीप और फिलिंग अफ लयल्टी टू नेशन इज फर्स्टर्ड एमंग देम तो एमती नेशनाल इंटिग्रेसन रे तार डेफिनेसन देखिपर तो टू स सम कौन कौच ना द कनसेप्ट अफ नैसनाल इंटिग्रेसन इनव द पॉलीटिकल

Sub regionalism, that is love for a particular religion in preference to the state of which the religion forms a part. Then, preference to the state of which the regions form a part. Then, regionalism is a subsidiary process of political integration in India. It is a manifestation of those residual elements which do not find expression in the national polity and national culture and being excluded from the centrality of the new polity.

से कि पार्ट जो कि पीपुल अफ द स्टेट जमी नागालैंड तो कौन ना? कौन से, से कहते like so तो ना से कौन कौन सेन को चाहूँगी लाइक खलिस्तान द्राविड नाड़ मिजोस नागाज एंड सो ऑन देन सेकेंड आसपेक्ट कौन द डिमांड ऑफ़ द पीपुल अफ सर्टेन ऑफ सेपरेट स्टेटहुड ते सब सेपरेट स्टेटहुड चाहते किए कि तेलेंगाना बड़ोलैंड तेलेाना तो है स्टेटलैंड Then borderland, Uttarakhand, Bidar, Gorkhaland and so on. Then demand of people of certain union territories for full-fledged statute like Manipur, Tripura, Puducherry, Delhi, Goa, Daman and Dew, and so on. In interstate boundary dispute like Chandigarh and Velgam, and the river water dispute like Kaveri, Krishna, and Ravi and so on. Then formation of organization with regional motives. which advocate a militant approach in pursuing its policy and goal like Shiv sena kamil sena hindi sena sardar sena lachit sena and so on and so, uh, son of the soil theory which advocate the preference to the local people in the government job private job permits and so on tan e jo son of the soil theory jo ebe recently am ko state uh, apply karichi ba ei infra বা এত পরসে রিজরভেসন দে ডিক্লে করেছি লোকাল লোকাল লোক কোস্টেট করছে তুমি কমেটরে মেনশন কর তো এই যে ছটা জিনিস হল কোণ না আমার রিজনাালিজিম বুঝবারে আপলি আমি তাপরছি দেমুনাজিম এটা আহ ইম্পর্টান তো কম্যুনাজম মানে কোম না লভ ফর ওয়ান রিলিজস কমুনিটি ইন প্রিফরে and a tendency to promote a communal interest at the cost of interest of other religious communities. it has its root in the british rule where in 1909, 1919 and 1935 act had introduced communal representation for the muslim, sikh and other. the communalism got accentuated with the politicization of religion. its various manifestations are first formation of political parties based on the religion like Okalidal. মুসলিম লিগ রাম রাজ্য পরিষদ হিন্দু মহাসভা শিবসেনা অ্যান্ড সো অন দে এমরজেন্স অফ প্রেসার গ্রুপ দ্যাট ইজ নন পলিটিক্যাল এনটিস বেসড অন দ্য রিজিয়ন লাইক আর এস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জমাত ইসলামী আংলো ইন্ডিয়ান ক্রিস্টিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড সো অন দে কমুনাল রিওর্ট বিটুইন দ্য হিন্দুজ মুসলিমস হিন্দুজ অ্যান্ড শিখস হিন্দুজ অ্যান্ড ক্রিস্টিয়ানস অ্যান্ড সো অন বনারস লক্ষনৌ মথুরা হায়দ্রাবাদ আল্লাহাবাদ Aligarh, Amritsar, Mor Moradabad and some other places are affected by communal violence. Then dispute over religious structure like temple, mosque and other the dispute over Ram Janmahumi in Ajodhya and where the Kaur had demolished a disputed structure on the December 6, 1992. Then reason for the persistence of कम्युनालीज इनक्ड रिलीज अर्थोडक्सी अफ मुस्लिम रोल अफ पाकिस्तान हिंदू चोवानीजिम गवर्नमेंट्स इनर्सिया रोल अफ पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर ग्रुप इलेक्ट्राल कंपलसन कम्युनल मीडिया सोशियो इकोनोमिक फैक्टर एंड सोओन दिस् अब कम्युनालीजिम देक्ट कम टू काज ओके काजिम मान जो तुम जान तो निज का किए भल पाऊन मानने क्या कुछ भल लगुनी निज का तो समस्ते निज निज का भल पाऊँ तो कि लोक भी अच्छे सेमती निज का भल पाती रिजन भी अलग थी तो किजन थी से निजे जानते हैं तो ये आम देखा काम केमी आमर नेशनाल इंटिग्रेसन आमर कौन कौच ब्यारि हिसाब से कम करज मैंने काम मान तुम्हें निजे भाव जो का लव फर ओंस ऑन कास्ट ग्रुप इन प्रिफरेन्स टू द जनरल नेशनल इंटरेस्ट तो नेशनल इंटरेस्ट को भी कास्ट बेस्ड लव अफेक्शन रोचे इट इज मेनली एन आउटकम वन वॉलीसाइजेसन ऑफ कास्ट इट्स वेरियस मेनिफेस्टेशन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस अफ कास्ट लाइक जस्टि पार्टी इन मड्रास् डीएमके केरला कॉग्रेस रिपब्लिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी एंड सो ऑन Then emergence of pressure group, non political entity based on caste like Ad Nadar Association, Harijan Sang, Khyatriya Mahasabha, and so on. Then allotment of party ticket during election and formation of council of ministers in the states on caste line. Then caste conflict between higher and lower caste or between dominant caste in various states like Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and so on. এই চব জা পঢ়িলে মানে তুমি ভাবিব ইয়াক এগজাম্পল নেকি ট্ৰাই কৰিব দেন ভায়োলেণ্ট ডিছপুট এণ্ড এজিটেচন অভ দা ৰিজৰ্ভেশ পলিচি বি কে নেহেৰু অবজৰ্ভ দ কমুনাল ইলেক্টৰেট দ কম্যুনাল ইলেক্টোৰেট অফ দ ব্ৰিট ডেজ ইন এ ভেষ্টিগা ফৰ্ম ষ্টিল ৰিন ই অফ ৰিজৰ্ভেচন ফৰ দেডুল কাষ্ট এণ্ড স্কেড ড্ৰাইভ দৰ্ভ টু এমফচাইজ কাষ্ট অৰিজিন এণ্ড মেক পিপুল কনচিয় আবাউট কাষ্ট ইন হুইচ দে ৱি আৰন

दे नायर वर्सेस भर्से इजा कह केरला इजाभा मुंट भी आम पढ़ी हिस्ट्री रे देन बनिया वर्सेस पटीदार इन गुजरात देन भूमिया वर्सेस राजपूत इन बिहार जाट वर्सेस अहीर इन हरियाणा जाट वर्सेस राजपूत इन उत्तर प्रदेश कलिटा वर्सेस अहम इन आसाम एंड सोर तेणु कास्ट भार्ट पार्टी इलेक्शन जो कंपिटिशन हुए बट कास्ट को, निजो कास्ट ये कंपिटन हो जिता देजिम लिंगुजिंग मान में कौन ना लांगुएज भल पाइबा जोटा तो लिंगुएज मीन लव फर ओन लांगुएज एंड हार्टेड टुवर्ड्स अदर लांगुएज स्पीकिंग पीपुल द फेनोमना अफ लिंगुजम लाइक दैट अफ रिजनाज कम्युनालीज और काम इज अल्सो ए कन्सिक्वेन्स फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस इट हाज टू डायमेसन दैट फास्ट इज रेकग्नइेसन A reorganization of the state on the basis of language and determination of official language of union so the, the creation of the first linguistic state, state of andhra out of the madras state in 1953 led to the countrywide demand for the recognition or reorganization of the state on the basis of language consequently the state were re reorganized on the large scale in 1956 on the basis of recommendation made by the state reorganization commission that is 1953 to 1955 even after this the political map of india underwent a continuous change due to the pressure of popular agitation and political condition which resulted in bifurcation of the existing state like bombay punjab assam and so on by the end of 2000 द नंबर state स्टेट एंड territory had reached to टू ट्वेंटी 7 from that एंड सिक्स इन 6 फिफ्टी सिक्स respectively. तो कमेन्ट्रे जल्दी मेंशन करो कितना स्टेट कितना यूटी अच्छे कंट्री रे एनाक्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 तो ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज एक्ट के ना 1963, making Hindi as official language of the Union led to rise of anti-Hindi agitation in South India and West Bengal. Then the central government assured that English would continue as an associate official language so long as non-Hindi-speaking states desire it. Moreover, the three-language formula, English, Hindi, and a regional language for the school system is still not in being implemented in Tamil Nadu. कन्सिक्वेंटली हिंदी कुड नट एमर्ज एट द लिंगुअ्रांब द कंपोजिट कलचर अफ इंडिया आज डिजर्व बै द फ्रेमर्स अफ द कन्स्टिट्यूशन द प्रोब्लेम अफ लिंगुईज गट आचुरेटेड वित्त द रईज अफ समीजनाल पार्टीज इन रिसेंट टाइम लाइक लाइक टीडीपी एजिपी शिवसेना एंड सो ओन तो आम टोटे कौन कौन जो बारिर् कन्स्टेट देखने फास्ट रिजनालीजिम तापर अबस्ट्राके रिजनालीज कम्युनालीजि का

It consisted of Prime Minister as Chairman, Central Home Minister, Chief Minister of the State, seven leaders of political parties, the chairman of University Grant Commission, two educationalists and commissioner for SCs, SCs and STs and seven other persons nominated by Prime Minister. The council was directed to examine the problem of national integration in all aspects and make necessary recommendations to deal with it.

of communal and other divisive forces posing a threat to national unity in 1986 the nic was constituted and its membership was further increased it recognised terrorism in punjab as an attack on unity integrity and secular ideals of the country accordingly it passed a resolution to fight terrorism in punjab the council also set up a 21-member committee to function on a continuing basis

It included the Prime Minister, a chairman, central minister, chief state, state chief minister, leader of national and regional parties, representative of Omen, trade, industry, academician, journalist, and public figure. It had various items on agenda for discussion that is, via Punjab problem, Kashmir problem, violence of the sessionist, communal harmony, and Ram Janmohumi Babri Masjid problem at Ojedya, but there was no concrete result. In 2005, the united progress alliance that is upa government reconstituted the national integration council under the chairmanship of prime minister manmohan singh in one zero third member nic national integration council was constituted after a gap of 12 years having held in meeting in 1992 besides some central minister state and ut chief minister and leader of the national and regional party the nic included the chairperson of the national commission Eminent public figure and representative from the business, media, labor, and omen. The NIC was so to function as a forum for effective initiative and interaction on the issues of national concern, review issues relating to national integration, and make recommendations. In fourteenth meeting of the NIC was held in two thousand eight in the backdrop of communal violence in various states like Odisha, Karnataka, Maharashtra jammu and kashmir and assam and so on. then promotion of education among the minorities, schedule caste and schedule drive elements contributing to national integration. the removal of regional imbalances, caste and identity division, prevention of extremism, promotion of communal harmony and security among minority and equitable development were some of the important items on the agenda of the meeting. then in april,

Public figure and representative of business and women's organization, it is chiefly aimed at suggesting means and way to combat the menace of communalism, casteism, and regionalism. In two thousand ten, the government also constituted a standing committee of the N I C. It consists of union home minister as chairman, four union minister, nine chief minister of various states and five co-opted members of N I C. It could it would finalize the agenda item for N I C meeting the 15th meeting of the nic was held in september 2011. the agenda for meeting included the measure to curb communalism and communal violence, approach to communal violence bill, measures to promote communal harmony, measures to eliminate discrimination, especially against minorities and schedule tribe. how the state and the police should handle civil disturbances and how to curb radicalization of the youth in the name of religion and caste. in the 16th meeting of the nic was held on 23rd september 2013 a resolution was passed in the meeting to condemn violence take all measures to strengthen harmonious relationship between the all communities to resolve differences and disputes among the people within the framework of law to condemn atrocities on the scheduled castes and scheduled tribes to condemn sexual abuse and ensure that all women enjoy the fruit of the freedom to pursue their social and economic development with equal opportunity and so, and to safeguard their right अफ इन द पब्लिक स्पेस एट एनी टाइम अफ़ द डे और नाइट पूरा टोटा इभल्यूसन पार्ट देखिले तो आम देखा नाइनटीन सिक्सटी टूरू फास्ट मीट स्टार्ट टू थाउजेंड थार्टन रेम सिक्सट मीट जाए टू थाउजेंड थार्टन जाए तो टू थाउजेंड ट्वेंटी भी हो रहे ट्वेंटी तो नाइट ट्वेंटी व्वान तेणु ये आम देखीपरिया रिव्यू कर हाँ नाशनाल इंटिग्रेसन काउनसिल मीट होता है जानपर तो लास्ट पार्ट पार्टर देखा नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी तो गोटे फाउंडेसन भी अच्छी कम्युनाल हारमोनी माने कम्युनल हारमोनी को प्रमोट करने नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनि एन एफ सी एच वाज सेट अप इन नाइनटीन नाइन टू इट इज आन अटोनोमस बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री इट प्रमोट्स कम्युनल हारमोनी फ्राटर्निटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन द विजन एंड मिशन ऑफ एन एफ सी एच आर आज फॉलोज india free from communal and all other form of violence where all citizens especially children and youth live together in peace and harmony. then mission promoting communal harmony strengthening national integration and fostering unity in diversity through collaborative social action awareness program reaching out of the victims of the violence especially children encouraging interfaith dialogue for india's shared security peace and prosperity.

then to conduct studies and grant scholarship to the institution or scholar to con conducting studies to confer award for outstanding contribution to communal harmony and national integration then to involve central state government ut administration industrial commercial organization ngo and other in promoting the objective of the foundation then last to provide information service pu publish monograph and books etc on the subject तो एमती है कि नाशनाल फाउंडेसन फर कम्युनाल हारमोनी सर्ट नोट भी पड़ तुम तरह केटाब्लीश होता नाइंटीन नाइंटी टू तर भिजन मिशन कौन ना इंडिया को फ्री करवा कम्युनाल आउ अदर फर्म अफ भोलेन्स को नहीं की। तार मिशन कौन ना कम्युनाल हारमोनि को प्रमोट कर स्ट्रेदेनिंग नेशनाल इंटिग्रेसन यू जिनमें तार जो आक्टिटीट को भी तुम मेनसन कर देन तुम तुमको गोटे क्वेश्चन दिगल कौन ह्वाट डू यू मीन बै नैसनाल इंटिग्रेसन

डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो क्वेश्चन कौन द एबोव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड बाय नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो लॉन्च को 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 या अंडर लंच होंडर आसामेटाल रईट आस फंडामेंटल ड्यूटी आस डी पी तो आंसर कौन हो आंसर हे ओपीएसपी हेला सेमती सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर मु टाइम दूसरी तुम मन को सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर आडभाइज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट फास्ट ना ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देन देकेंड

नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद रेफरेंस टू नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी 2007 थाउजे सेवेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये गोटे सही टाइम रो ना बट थाउजे टेन रोश्चि हाँ टू थाउजेंड टेन रूपीएससी प्रि क्वेश्चन तो देख टू थाउजे सेवेन नेशनल रिहाबिलिटेस एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी ताकू बेस कर

तो आंसर कौन हे आंसर हे बी है तो ये पी डी एफ मेटेरियाल अच्छी तुम पढ़ीपार यार जो नेशनल पॉलिसी ऑन रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेन्ट टू थाउजेंड सेवेन सेवेन रार मैं पलिस रब्जेक्टिव कौन के की फीचर कौन देखो पॉलिसी कवर ऑल केसेस ऑफ इन डिस्प्लेसमेंट से ओनली लिखा तेनाली भूल हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चार नंबर क्वेश्चन

कंस्ट्रक्शन अफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी हम कि सेवेन्टी फोर्थ आमेडमेंट आक्टी ये भूल हम जब वा भूल हो, हो तुम आनसर कौन हाँ टू एंड थ्री तो इयर क्वेश्चन इवेश्चे ही क्वेश्चन आसे जदि गोटे को जिन जानपरचे जो इे करदे एलिमेट करदे तुम आंसर पाइप तो लास्ट क्वेश्चन देखो इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी is given the status of a normal or national minority what special advantage is entitled to first it can establish and administer exclusive educational institution then president of india automatically nominate a representative of the community to lok Sabha then it can derive benefit from the prime minister's 15 point program so national minority religious

হ্ৱাটছপ গ্ৰুপত কমেণ্ট মেনচন কৰিব হোৱাটছ উ আনচাৰ হেয়াৰ ত আজিপৰা এতিকি থাকিলে কালি পঢ়িবা আমি নেচনাল নেচনা নহয় আমাৰ টপিক কম ৰা ফৰেন পলিচি ইণ্ডিয়া ফৰেন পলিচি যা কম্পিট কৰিব তাৰপৰা আপ্টৰ জছ অউ কৰিবা মানে এই ৱিকে তুমি পূৰা কম্প্লিট কৰি দিয় পলিটি তাৰপৰা আমি नेक्सट इकोनोमी जाकोनोमी बहुत इंटरेस्टिंग तुम तो जिते पढ़व जिते रेगुलरली क्लास करते तुम्हें बुझीपरि तो, तो आज ये टेक केयर